दिल खुशी होती है. आई थिंक दिस इज माई 6th-7th अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर नेगेटिव. आई ऑलवेज से दैट आई डिड इट फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम, बट उसके बाद भी वो छोटा सा टाइम भी लोग अप्रिशिएट करते हैं माई परफॉर्मेंस, माई लुक्स. सो या आई थैंक यू ऑल, थैंक यू. देखिए, मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि हर तरह का अप्रिसिएशन अच्छा होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा. बट लाइन्स गोल्ड अवार्ड अपने आप में बहुत ही रेप्यूटेड अवार्ड है. आई रिसीव्ड इट लास्ट ईयर एज वेल, एंड इस बार मुझे बेस्ट एक्टर नेगेटिव के लिए मिल रहा है. सो आई फील प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड, एंड एट द सेम टाइम दे बीन देयर फॉर लाइक 26 ईयर्स इज नॉट अ जोक. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. एकदम सिंपल है, आप देख सकते हैं. इट्स दिस, आई एम नॉट रियली ओवर डन, आई एम टू बिजी राइट नाउ विद अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. सो जो समझ में आया पहले लिया, बट उसमें भी आई एम वेयरिंग पिचिका टुडे एंड आई लव देयर कलेक्शन. सो या आई नो वी हैव रियली रिसीव्ड such a warm welcome. हमने सोचा भी नहीं था कि ट्रेलर इतना अच्छा आ जाएगा. इट्स 5th डे टुडे एंड वी आर स्टिल ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब द ट्रेलर, एंड द सॉन्ग इज ट्रेंडिंग. द सॉन्ग इज लव्ड सो मच बाय द व्यूअर्स. सो अब मुझे ना थोड़ा सा और नर्वसनेस हो रही है, दैट फ्राइडे फियर, ऑल्दो आई एम नॉट यूज्ड टू इट, बट लेट्स सी. थोड़ा सा और नर्वसनेस हो रही है बिकॉज अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है. पीपल हैव रियली लव्ड द ट्रेलर, इट वॉज वेल रिसीव्ड. I'm going to see him very soon, and I'm going to show him the trailer, and we will talk about it. Thank you. Thanks to Lions Gold Awards, and today I'm recalling the great Satyajit Ray. उन्होंने मुझे ये compliment दिया था. उन्हीं compliment के वजह से लोग मुझे एक खूबसूरत चेहरे के नाम से जाना जाते हैं. And today the Lions Gold Awards में मुझे ये award मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है. आई थैंक्स टू ऑल द इंडस्ट्री एंड माई डायरेक्टर्स एंड द पीपल ऑल्सो. थैंक यू सो मच. देखिए, इस समाज में बहुत कुछ अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहा है, और जो निर्दोषी है उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई पार्डन की बात नहीं है. 26 साल तक कोई अवार्ड फंक्शन करना एक ही क्लब के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. फॉर्चुनेटली अब आपके जितने भी टॉप स्टार्स हैं, चाहे वो रणवीर सिंह हो, आलिया भट्ट हो या वरुण धवन हो, वो हमेशा ये कहते हैं कि पहला अवार्ड हम लोगों को लायंस क्लब वाले देते हैं, उसके बाद फिल्म फेयर आईफा वगैरह से मिल जाते हैं. Lions Club Soul Mumbai very dedicatedly organizing this award kind of the function from the last 26 years. और अब तो 2 सालों में हमने और भी ऐड किया है कि BMC स्कूल और झोपड़पट्टी में जो गली बॉयज़ और गली गर्ल्स हैं, जो टैलेंट है जिनको ऊपर लेके आना है, वो भी आपने देखा इस बार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है. एंड थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल मीडिया पीपल हु आर गिविंग सपोर्ट टू ऑल द न्यू टैलेंट हु वॉन्ट्स टू कम अप एंड परफॉर्म. थैंक यू सो मच Lions Club International, Lions Club Mumbai Soul, sincerely thank you very much. Ananya Pandey and
साई, दे आर ऑल्सो न्यू कमर, इवन दे विल रिपीट इन द फ्यूचर दैट फर्स्ट अवार्ड दे रिसीव फ्रॉम द लायंस क्लब ऑफ मुंबई स्पॉल. आई विश देम ऑल द बेस्ट. Being a first NGO largest award in the world from 1979 onwards. What are the challenges that you face to put such a wonderful show together? We are the NGOs. We cannot afford other things. Sometimes very difficult to get the very top stars and all. But we'll request them. We are sincerely giving the award from our heart. Please join us. And we admire you. And we see that your talent should come up in the top all over the world level. Thank you so much and all the best to you. पता नहीं यार, अभी तो अंदर गए नहीं, गए भी नहीं. अच्छा, अरे खुशी है, ऑफ कोर्स यू फीलिंग गुड. अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे शो को पसंद किया जा रहा है और हमारे काम को सराहा जा रहा है, तो ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है. बिल्कुल, आई थिंक अभी तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि अभी तक मिला नहीं है अवार्ड, बट लेट्स होप कि अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है. और ये रिकग्निशन बहुत मायने रखती है हम एक्टर्स की लाइफ में. यस, ये कॉम्प्लीमेंट मैं सुनना चाहता था. वैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लड़का लड़के की जोड़ी होती है, बट इस बार रोमांस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया है और आई थिंक काफ़ी ऑर्गेनिकली आता है शाहिर भाई के साथ ये रोमांस, तो गुड. अक्सर ऐसा होता है कि आई थैंक गॉड कि ऋत्विक इज़ इन दिस शो, मेरे साथ है और भी कुछ एक्टर्स, कि इतना मज़ा आता है सीन्स करने में कि लगता है कुछ अच्छा कर रहे हैं. बिल्कुल. We have come together. It says a lot. And baki, as much as I support him, he supports me on set too. And there's a mutual understanding and intellectual bonding that happens, which is very rare to happen between actors. But we are very lucky and very blessed ke you have each other. Yeah. Yes. Thank you, guys. He is going to Delhi, yeah, to celebrate it with my family. And but we are planning to celebrate it together, the yeah. rest of the team of Ye Rishte Hain Pyar Ke. Yeah, and said it right. Yeah, Ye Rishte Hain Pyar Ke. Happy Republic Day. Happy Republic Day to everyone. Enjoy. Yeah. Thank you. Bye. Well, I'm very excited. This is my first big award in my life. After 33 years, I'm getting an award. And that too Houseful 4. 1, 2, 3 mein nahi mila, 4 mein mil gaya. I'm so excited. I'm waiting to go in and take it. And I'm going to come out with the award. Are you sharing the platform of the award today with Ananya? How does it feel? Very excited. Wo pahunchi nahi hai. Wo shooting kar rahi hai kidhar abhi is waqt. So I hope she reaches by the time my award happens. I'm very excited. I'm with Ananya. ये नॉमिनेशन मत बोलो, मैं जीत गया हूँ यार. नहीं जीतूंगा तो बोलेंगे एम जो. अरे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ यार वैलेंटाइन के लिए. हैप्पी वैलेंटाइंस डे. सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे. वेल, मुझे तो कॉमिक रोल्स बहुत ही पसंद है. मेरी अभी एक मराठी फिल्म आ रही है जहाँ मैंने कॉमिक रोल उसमें भी किया, लेकिन ग्रे जो रोल्स कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने बेगम जान या साहू में किया था देवराज का रोल, वो पर्सनली थोड़े फेवरेट रोल्स हैं. और शायद नेक्स्ट ईयर मुझे उनके अवार्ड्स मिल जाए, यू नेवर नो. थैंक यू. मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है. जब करण बुलाएगा मैं चले जाऊँगा. No, not at all. I'm very happy he's taken my daughter in his film. एक हैप्पी रिपब्लिक डे और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना और
हिंदुस्तान को क्लीन रखना, लेट अस ऑल प्रोग्रेस टुगेदर। जय हिंद। थैंक यू जी। मेरा बहुत पहला अवार्ड है मेरी पहली फिल्म के लिए, तो बहुत ही स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अवसर मिल रहा है आज। और बस यही आशा करती हूँ कि आगे जाके बहुत सारे ऐसे मौके आए और मैं अपने आप को साबित कर पाऊँ। मैं बहुत ही प्रिविलेज फील करती हूँ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया एज बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड देने के लिए और यही चाहूँगी कि मैं अपने आप को आगे भी इस अवार्ड के काबिल साबित कर पाऊँ। लोगों ने बहुत पसंद किया आपके आपके कैरेक्टर को दबंग में, क्या कहना चाहिए, इतना प्यार मिला और फर्स्ट फिल्म सलमान खान के साथ, व्हाट इज योर रिएक्शन? इतना सारा प्यार मिलना बहुत ही ओवरवेलमिंग था, लेकिन इतना इतनी खुशी हो रही थी मुझे जब ये सब हो रहा था। तो बस यही कहना चाहूँगी कि पहली फिल्म में इतना प्यार दिया है तो आगे जाके भी इतना ही प्यार दीजिए। जी आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे चुना है तो आई होप मैंने ऐसा किया हो और आगे भी ऐसा ही करना चाहूँगी। जी अभी तो कुछ मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर कुछ कंफर्म हो गया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सभी लड़कों और लड़कियों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे, बहुत सारा प्यार बांटिए सभी को। यस यस आई एम फाइन नाउ, इट वाज अ स्प्रेन, माय एंकल स्प्रेन। तो बचपन से मेरी एक ही याद है रिपब्लिक डे की, हमारे स्कूल में वो फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी हुआ करती थी और हम सब पेट्रियोटिक सॉन्ग परफॉर्म करते थे, तो आई थिंक वही मैं अपने कजिन्स या अपने दोस्तों के साथ करूँगी घर पे। और सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू सो मच। इट्स बीन 5 years, लायंस में आई एम कमिंग और यस दिस टाइम ऑल्सो आई एम गेटिंग एन अवार्ड फॉर राइजिंग स्टार, so I'm happy. Yes, obviously, आप जब साल भर काम करते हो या चीज़ कोई ऐसी करते हो जिसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिले, तो आई थिंक अवार्ड से बड़ा अप्रिसिएशन नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए आप वेट करते हो, वेन यू गेट इट सो बहुत मीनिंगफुल होता है। और सीरियसली आई डोंट वांट कमेंट, बट विशाल मुझे पसंद थे नजबलिए में, बट यहाँ पर मुझे थोड़े से ऐसे लगे कि वो रुतबा नहीं है अभी उनमें जो नजबलिए में मैंने सामने से देखा था, जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे वो शायद नहीं कर पा रहे। क्या करते हैं, सॉरी, यार ऑनेस्टली मैं ऐसे सोचता हूँ कि ज़िंदगी का वो एंड होता है और ओबियसली नहीं करना चाहिए किसी को भी, उनके जो भी क्लोज़र लोग हैं उनके साथ एक बार बातें करके ख़त्म करना चाहिए, बट आई थिंक क्योंकि मरने के बाद ज़िंदगी किसी ने देखी नहीं है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाओगे आप, उससे बेटर कि जिस भी सिचुएशन में उससे बाहर निकलने की कोशिश करे एनी हाउ। अगर मेरे सामने कोई मेरा दोस्त या ऐसा कुछ इस सिचुएशन में होगा तो मैं ज़रूर उसकी मदद करूँगा कि ताकि वो स्टेप ना ले सके। हाय, गुड इवनिंग। हाय, थैंक यू। Great, yeah. It always gives kind of happiness. You feel blessed, and you know, as you said, it's my like
13th or 14th award for Kundali Bhagya itself. So yes, Sone Pe Suhaga, the show is doing so well. We are number one on the TRP chart since the first week, and we are doing so well. We just touched the TRP of 3.4, and here I am again getting an award for Kundali Bhagya. All thanks to all the fans for all the love. Thank you to Ekta for giving me Karan Luthra, and thank you to all the people out there who love Karan Luthra as much as I do. So I feel blessed here. I'll not say unexpected. I was nominated. See, everyone is doing good work in their own way, but you go with all the optimism and I kept Dheeraj for so many years. After doing Sasural for like 6-7 years, I did Kundali Bhagya, and as I said, Kundali is such a big show, it made me star. So it was expected. So I'll not say that it was not expected at all. Miss karna chahenge? विश करना चाहेंगे. ओके, मैं विश यही करना चाहूँगा, बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा प्यार लें, प्यार फैलाएं, खुशियाँ फैलाएं, एंड एक दूसरे को बहुत सारा हक दें, एंड किसेस दें, फूल दें, गुलाब दें. आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया, राइट? Definitely, yaar. It's a great thing for all of us, all the actors actually. First it was only films and TV. Now there's a new medium. So it's a great thing for all of us. As an artist, you can showcase your talent in that medium as well. And I'm looking forward to it. 2020, you might see me in one of the web series. I'm looking for a good script. Yeah, meri baat nahi chal rahi. Kya pata kuch soch rahe mere bare mein wo log bhi. My plan for Republic Day is that I'll try to go and visit some NGO. I want to spend my time with the kids, and I might visit one of them. And wish you all a very, very, very happy Republic Day, guys. And ye kuch aise mauke hote hain jab aap, you feel proud. Aap hamesha karte hain, but this is like a special occasion where you feel proud to be an Indian, and I'm the one who's feeling the same. Yes. It's very new. It's like I'm debuting again. But I remember the last time I got the Lions award, it was the first time I played a good guy. And now the first time I played a bad guy, I've been nominated in this category. So pretty excited. It's new. And I mean, acting is acting. It's just a new genre for me. I hope so. I mean, the kind of love that I got after Kalang was amazing. So I'm excited that, people are, they've been seeing so much of me doing comedy and then to accept me in a negative role. So thanks to Karan and Abhishek for letting me do that. And I'm excited with the kind of work that I'm doing ahead, and I hope people enjoy the stuff that I've lined up. Very happy Valentine's Day to everybody. सर मेरी आज पांचवी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं से मनाता तो नहीं हूँ, मैं आज प्रमोशंस कर रहा हूँ, बट आई हैव अ डिनर प्लान व्हेन आई गो बैक. जी आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट मलंग बिकॉज मोहित के साथ मैं 2005 कलयुग में वो मेरे पहले डायरेक्टर थे, उसके बाद अब उनके साथ कोलाबरेट कर रहा हूँ. इट्स अ वेरी वेरी कूल फिल्म. आई लव द स्क्रिप्ट. आई लव द वे दैट इज शेप्ड अप, एंड आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह का रिस्पॉन्स ट्रेलर से मिल रहा है. सो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. दो हफ्ते बचे. वेल आई मीन आई वॉज वर्किंग टुडे, बट या आई हैव अ डिनर प्लान विद माई वाइफ. थैंक यू. थैंक यू. Congratulations. Namaskar. Yes. I want to tell you, today is the day, last year, 25th of January, it got released.
and today I'm getting an award, 2020 ka pehla award hai, so I'm super excited. Yes, of course it is. I think it's very important to be appreciated, and I'm getting that appreciation. That's the most important, and it's all love what you guys give and what public give, you know. And I'm very grateful for this that I'm getting an award. So. Yes. I think 20 बहुत अच्छा start हुआ है, so I'm super excited. I'm really looking forward for good things in life. आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार. हैप्पी वैलेंटाइंस डे. मैं तो बहुत ही रोमांटिक टाइप की लड़की हूँ और रोमांस मेरे अंदर है, तो रोमांस के लिए कोई एक दिन ज़रूरी नहीं या एक महीना ज़रूरी नहीं. आई थिंक 12 महीने रोमांटिक रही, दैट्स द बेस्ट थिंग. ओके थैंक यू. आई लाइक टू सेलिब्रेट माई फैमिली बिकॉज घर मेरे घर में बहुत लोग हैं, तो वी डेफिनेटली सेलिब्रेटेड एंड फ्लैग्स लगाते हैं और मैं हमेशा कुछ ना कुछ झंडा बंधन टाइप्स करती ही रहती हूँ चीज़ें. तो थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. He's great, obviously. If you work so hard for a film and then you get reward for it, so it's obviously it's a moment of happiness. But I will try and do better in future. And don't you think it's too early to get awards? Yeah, it's too early. I think it's abhi sink in nahi hua hai. Correct, correct. Even I was thinking like that. कि शायद कहीं nomination होगा, but साल के पहले महीने में award. It's तो फील ही सिंक ही नहीं हुआ है कि द फिल्म हिट हो गई है, इतने पैसे कमा लिए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. तो देयर इज नो टाइम टू सेलिब्रेट. आई ऑलरेडी स्टार्टेड द नेक्स्ट फिल्म, सो गोइंग फॉर आउटडोर नाउ, सो नो टाइम. किसको विश करूँ? मैं अपनी बीवी को विश करूँगा. मैं आप सबको वैलेंटाइंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं. आप अपने जीवन साथी, अपने जो आपके साथ हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करें, सरप्राइज दें उनको. इट्स अ फिल्म कॉल्ड भुज द प्राइड ऑफ इंडिया. इट्स अ वॉर फिल्म एंड सो आई एम क्वाइट चार्ज अप फॉर द फिल्म. इट्स अ लॉट ऑफ एक्शन ड्रिवन फिल्म. So, and it's releasing most probably on 15th of August. So we are very short of time and we are running quite late. So it's a back-to-back schedules. Tomorrow, first of all, in the morning, I'll with my daughter for fly oystering. I'll now she's a little old, so I can tell her that what's the importance of Republic Day. मेरे लिए हर दिन रोमांस का महीना है, हर दिन है. मुझे फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा. तख्त कौन सा? हेलो एवरीवन. बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जब मैं टेलीविजन में था तो फर्स्ट टाइम अगर किसी अवार्ड फंक्शन ने मुझे रिकॉग्नाइज किया था तो वो था लायंस गोल्ड अवार्ड, जब मैं महाराणा प्रताप करता था. और आज मेरे फिल्म का फर्स्ट स्टेप है और मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो उसके बाद मेरा फर्स्ट अवार्ड है लायंस गोल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, बेस्ट डेब्यूटेंट इन नेगेटिव रोल. सो आई एम सो हैप्पी, थैंकफुल टू लायंस क्लब. थैंक यू. यस यस, वेरी स्पेशल. वो तो लकीली हमारी फिल्म दिसंबर को आई और जनवरी में अवार्ड हो रहा है. यस आई एम वेरी लकी क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी मिलने लगी. आई एम सो थैंकफुल टू गॉड एंड ईच एंड एवरी वन. थैंक यू यार. आई एम सीरियसली वेटिंग फॉर समथिंग गुड. लेट्स सी, चीज़ें आ रही है बट अभी फ़िलहाल किसी चीज़ को हाँ कह सके उस सिचुएशन में नहीं है. लेट्स सी, जैसे ही आएगा तो अब वैसे एक साल वेट नहीं करना पड़ेगा, अब उससे जल्दी आ जाएगा. हैप्पी रिपब्लिक डे सभी लोगों को. और मैं हमेशा अपने सोसाइटी के फ्रेंड्स के साथ ही मनाता हूँ
और ये कहना चाहूँगा लोगों को कि प्लीज़ स्वच्छता फैलाए, ना कि सिर्फ बाहरी बट हमारे दिमाग से भी, और जो भी पॉजिटिव रहे स्वच्छता फैलाए, किसी को भी हर्ट हो वैसा कोई काम ना करे। यस, जय हिंद। थैंक यू थैंक यू कि मुझे आपने इस अवार्ड के लायक समझा। मुझे अवार्ड दिल्ली क्राइम और आउट ऑफ लव के लिए दिया जा रहा है। दोनों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं विच आर वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि प्लेटफॉर्म्स ने ऐसी कहानियों को चुना है और ऐसी कहानियों को सीरीज़ फॉर्मेट में आने का मौका दिया। Definitely, it's given me an opportunity to reach out to a wider audience, which I did not have access to earlier before with the films that I did, because they were very niche films. And I'm very, very grateful to that. And I'm very happy that finally people are realizing that audience mein kami nahi thi kabhi bhi. Hum un tak wo content pahuncha nahi pa rahe the jo wo dekhne ke liye bahut utsuk the. So I think that the success of these web shows is proof of the fact ki audience to bahut saalon se acche content ke liye taiyar thi, hum hi unko de nahi rahe the. Haan ji, kya kya bol rahe ho? Samajh main kehna chahungi happy valentine's day. I just want to say that everyone should be fit mentally and physically. In fact, being mentally fit is more important than physical fitness. And I actually want to dedicate it to my mummy, because she's the one who introduced me to yoga at a very young age. So yeah, this one's for her. ये रोहित वर्मा की एक साड़ी है और इस पे श्लोक है संस्कृत के, सो दोज आर आवर रूट्स एंड आई सेड एज आई डू बिलीव इन योगा एंड एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम इंडिया, सो या You know, yes, it is exciting that it is for Jai Mummy Di, but what is more exciting is that it's for fitness, and I genuinely, it is my true love, and so yeah, I think I'm more excited about that fact. Okay, so besides that, you have 20 years. Yes, in fact, I just signed something today, but I don't know, should I? It's it's got an interesting title. Another week. मेरी मैं कल काम कर रही हूँ, लेकिन प्लानिंग यही है कि एक्चुअली वो एक दिन के लिए सीमित नहीं रहनी चाहिए, इट्स फॉर एवरी डे, बट आई वुड लाइक टू विश एवरी वन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे एंड आई हैड द चांस टू विजिट द सियाचिन ग्लेशियर कपल ऑफ ईयर्स बैक एंड दैट रियली ओपन माई आईज टू वॉट द आर सोल्जर्स आर डूइंग देयर एट द बॉर्डर, सो या थैंक यू. You didn't want them to happen. Okay, ready, rolling? Yeah. Congratulations. Thank you. Thank you. It's of course a great feeling. It's an honor, and it's a special kind of encouragement that you get, that someone really appreciates your work, and thank you so much for that, I guess. Yeah, definitely. I think a lot of gratitude and thank you to the audiences and the fraternity for accepting our work so beautifully, so graciously. It just feels fantastic. I think you need that as a debutant. You need that encouragement. And it's a good beginning for both of you. Oh yeah, that's true. Yeah, that's true. And you also won an award for best emerging actor. How does that feel to have an award? I'm still absorbing that. We still have to receive it. Once we do, I think the feelings will come out then, for sure.
No, but it's fantastic. It's again, I think it's similar to my previous answer that it's extremely encouraging, and I just feel like, yeah, now let's just keep working hard, you know, let's move on with more work. And yeah, 2019 went so great. Now 20 has just started. What's new and exciting? So I assure you 2020 is going to be better than 2019. Well, Nikamma's right up the alley as we speak, 5th June. It's Shilpa Shetty ma'am's comeback after 13 years. It's an out-and-out masala film with Sabir Sir. Lots of action to look forward to. And yeah, can't wait to start off my year with that. Well, I have almost completed shooting for my second, which is Helmet, with Apar Shakti, Abhishek and Ashish. It's completely opposite to what I've done, the space, the character. It's a comedy, it's fun, it's got a social message. Again, I'm really nervous, but I'm really excited. It's something I wanted to do also. And we have a little bit of shooting to do, and we're going to release it very, very soon. And also, you have a party today. Oh, yes, you know everything. I know. So, after this, you're going to go there. Yeah. There'll be a look change though. Oh, I'm working throughout Republic Same. Day, so yeah. Same here. It's a great feeling. Same. Well, happy Independence Day, right? Republic Day, sorry. Gantantra Divas. And, what else? I mean, that's all you wish. Well, I think, yeah, happy Republic Day. Let's withhold our constitution as much as we can. We really need it, so yeah. Thank you. I think love is a beautiful feeling if it's done right. It should happen with a lot of trust and security. And yeah, I think being in love with not just your partner and your boyfriend, your girlfriend, your husband, wife, with everybody in your family also is so important. So yeah, it's a beautiful month. Ji, bilkul, happy Valentine's Day to all you people. Have lots of fun. And yeah, just spread all the love. About love? Yeah. Give more than you get. Simple. मैं बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ऑडियंस ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, आप सबने इतना प्यार दिया, इनफैक्ट सारी मीडिया ने इतना प्यार दिया और हमेशा से मुझे देते आए अरुण एंड एवरीबडी, सो थैंक यू सो मच. एंड ऑलमोस्ट 200 मिलियन पहुंचने वाला है एंड इट्स द टॉप सॉन्ग, सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर टॉप सॉन्ग है, यू नो, हंगामा, स्पॉटिफाई, गाना, हर जगह इट्स प्लेइंग ऑन टॉप. सो आई एम सो थैंकफुल एंड प्लीज़ जल्दी से 200 मिलियन टच करवा दीजिए. थैंक यू गाइस. आपका कुछ भी नो, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है. आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, बट आई एम जस्ट थैंकफुल टू द ऑडियंस. I would just like to wish all everybody a very, very happy Republic Day. Jai Hind. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता था आप लोगों को पता है, बट बहुत खुश हूँ. फाइनली तारा फ्रॉम सातारा को लोगों ने इतना प्यार दिया है और जैसे हम उसको फाइनाइट सीरीज रखना चाहते थे वैसा ही रखा है और इतने लोगों को अच्छा लग रहा है, स्पेशली दे कैन यू नो रिकग्नाइज आर टैलेंट, तो बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच पूरी मीडिया जिसने हम लोग को हमेशा सपोर्ट किया है, स्पेशली आप लोग, थैंक यू. बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे नहीं पता था कि ये शो इतने लोगों को अच्छा लगेगा और कांट वेट और चीज़ें ट्राई करने का और आप लोग को और चीज़ें बताने का. अभी बस मुझे थोड़ी टाइम नींद चाहिए, शो की एंडिंग अभी हम शूट कर रहे हैं और उसके बाद मुझे बस एक महीने सोना है अच्छे से. हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू. और आई एम जस्ट गोना गो आउट, हमारी बिल्डिंग में फंक्शन है तो हम लोग वहाँ जाएंगे जैसे हर साल जाते हैं.
और बस सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से और रेस्ट करेंगे और खूब टेस्टी खाना खाएंगे. ऑफ कोर्स आई एम लाइक सो 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 हैप्पी. आई थिंक जो अवार्ड मेरे पास नहीं आया वो इसके पास जा रहा है. सो आई एम लाइक सुपर हैप्पी सुपर हैप्पी. आई थिंक एनी एक्ट्रेस मॉम, अब तो प्रोड्यूसर भी बन गई, वुड ऑलवेज लव दैट अ डॉटर यू नो ब्रिंग्स अ ब्यूटिफुल अवार्ड बैक होम. एंड आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड एंड आई पर्सनली डोंट miss on a single episode of Tara from Satara. I'm so in love with Tara and my sweetheart, and I think she's the best daughter anybody could have. Both my girls are amazing. Thank you. Well, I'm quite grateful. I'm winning an award for Article 15. It's a very, very special film, and it's a very relevant film, especially about what's happening in the country. And a lot of things in the film are pretty much coming true. And yeah, it's something that we feel extremely like strange about, also a little bit proud about. But yeah, I think I'm very happy that it's sort of. I'm excited to be here. I'm not in the headspace. I'm house hunting currently, so I had to my team sort of pushed me. So I've just gotten ready, worn whatever I had, and yeah, I'm here. Aishman Khurana ka haath to nahi hai, but I think an actor can only do as much. I mean, yes, of course. I mean, he's amazing to work with and as a human being. But you know, I think every single actor, because it was really like an ensemble, and I think every single actor on that film are just not only really brilliant actors, but also like lovely people. And I think we had a great time just during filming, because I think we were having so much fun and we really got along, everybody, and it was really like a big party, you know. So it was really lovely, and I feel an actor can only do as much as the director, but also what your co-actors let you do. And it's such a give and take, and you know, a symbiotic kind of relationship, that you can only do a good job when you have a strong person, a strong actor in front of you. Well, yeah, 19 was amazing because Article 15, Poshampa, FOMO shots, and Inside Edge 2 release. So it's been like very varied and different, actually. I have a couple of releases coming up, but I'm also starting work now. I've taken the January off because I hadn't gotten an off for like 2.5 years. So this was like much needed. But yeah, it's. Let me see, it's a lot of like exciting characters lined up, so I'm just excited to play them. Thank you. Kisko? Valentine Day? Bhai, desh jal raha hai. Valentine Day thoda side mein rakhte hain, desh ko bajate hain pehle. Love romance ka? I think there is a dearth of love in the world right now, and I think we need more love and empathy for each other, irrespective of where we come from. So it's always good to celebrate love. What? Nobody made hate speeches. I don't know what you're talking about. Nobody. No. Nay, please. आप अपने fact checks करिए. नहीं. आप doctored videos देख रहे हैं. कहीं पे भी JNU, AMU, Jamia कहीं पे भी hate speech नहीं हुआ है. नहीं हुआ है. आप मुझे video दिखाइए. फिर बात करेंगे. हेलो, आप कैसे हो? आप वहाँ क्यों खड़े हो? ओके ओके ओके. हाँ, आप जो भी बुलाना चाहते हो बुला सकते हो. ओह, थैंक यू सो मच. मैं बहुत खुश हूँ. जब मेरी एक्टिंग की प्रसन्नता होती है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और ये मेरे लिए डेब्यू अवार्ड जीतना बहुत बड़ी बात है, और मैं करण और पुनीत के हमेशा थैंकफुल रहूँगी. सो थैंक यू सो मच. और मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत हैप्पी हूँ. जब भी मैं जीतती हूँ मुझे खुशी लगती है. Yes, yes, I did.
हाँ, जब मैंने मेरा डायलॉग सुना मुझे स्टूडेंट की इमीडिएटली याद आ गई, और जब भी मेरे डायलॉग्स प्ले होते हैं या टिकटॉक पर आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे खुद के डायलॉग्स पे टिकटॉक बनाना बहुत, मुझे बहुत मज़ा आता है वो करना। तो हाँ, मैंने सुना ये क्वेश्चन आप सबको पूछ रहे हो, आपका प्लान क्या है वैलेंटाइन से, मुझे ये जानना है। ऑफिस में है, अगर कोई मुझे गिफ्ट करना चाहता है तो मैं रेडी हूँ गिफ्ट्स रिसीव करने के लिए। चॉकलेट्स प्लीज़ भेजिए, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, मुझे रोजेस बहुत पसंद है, मुझे टेडी बेयर्स बहुत पसंद है, तो जो भी भेजना है भेजिए। जी 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 जी, खाली पीलिया, मैं अभी शूटिंग से आई हूँ खाली पीलिया, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो जून में आने वाली है, ईशान के साथ है, और बहुत अलग किस्म की फिल्म है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर शकुन बत्रा की फिल्म भी करने वाली हूँ दीपिका और सिद्धांत के साथ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो मेरे ड्रीम डायरेक्टर हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और दो भी चीज़ें आने वाली हैं जो जल्दी अनाउंस होने वाली है। जी ओ हैप्पी वैलेंटाइंस डे, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Happy 26th January everyone, lots of love. स्कूल में हमेशा जैसा यू लाइक होता था, और हम हमेशा तिरंगा हमारे आउटफिट्स पर वो स्टिकर डालते थे, तो बहुत फॉन्ड स्कूल मेमोरीज हैं। और स्कूल में हमेशा फन फेयर भी होता था जब भी। थैंक यू सो मच। हाय, हाउ आर यू? बहुत दूर है आप आज? अच्छा, अरे हाँ, ऊपर चल गया, स्मार्ट स्मार्ट। तो आप वहाँ से ऐसे जोर से, ओके, अरे आपको जो भी बुलाना है बुला लीजिए। थैंक यू जी। जी मुझे जजमेंटल है क्या के लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिल रहा है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, दिस इज माय फर्स्ट अवार्ड। जी सो माय स्टाइल आइकॉन इज दीपिका पादुकोण, आई थिंक ऑल ऑफ योर लव हर, एंड टुडे आई एम वेयरिंग लाइक यू सेड अ ब्लैक ड्रेस बीइंग स्टाइल्ड बाय आस्था शर्मा, एंड या क्या जी बहुत स्पेशल है, आई मीन आई गॉट टू वर्क विद कंगना मैम एंड राज सर, और आई मीन अवार्ड मिल रहा है मुझे ये रोल के लिए, सो आई कांट बी हैप्पी। हाँ Amazon के लिए तैयार हूँ मैं 2020 में, सो अभी अनाउंसमेंट होने वाला है इस हफ्ते, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, और टी सीरीज के साथ भी एक फिल्म कर रही हूँ, सो आई मीन 2020 इज जस्ट स्टार्टेड अमेजिंगली वेल। मैं काम कर रही हूँ वैलेंटाइन से, बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, ऑल ऑफ यू ऑल आर माय वैलेंटाइन। किसके बारे में? सॉरी, हाँ बस लव रोमांस जो भी होने वाला है होने वाला है, इट्स ओके। जी आई थिंक दैट दिस ईयर होपफुली रिपब्लिक डे इज गोइंग टू मीन अ लॉट मोर, स्पेशली विद व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, सो आई एम होपिंग फॉर अ नाइस शांत रिपब्लिक डे, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं नॉमिनेटेड हूँ बेस्ट एक्टर कैटेगरी में, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। शूटिंग से थोड़ा लेट हो गया बट सीधा घर से भागता हुआ आ रहा हूँ, सो वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवनिंग। ऑब्वियसली बहुत स्पेशल है, अभी साल शुरू हुआ है, पहला ही महीना है, और इट्स एन ऑनर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी फॉर्चुनेट, और बहुत अच्छा लग रहा है। All the members, all the viewers, everyone, a very happy Republic Day.
बहुत अच्छा दिन है कल का हमारे देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. सो ऑल इन ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. I am not sure if I'm getting an award. Well, if I do get an award, then I'll be very thankful to the entire team of Kundali Bhagya and everyone who's associated with Kundali Bhagya. Because Kundali Bhagya show hi aisa hai ki uske liye I feel very very proud and it's been doing very very well. 2.5-3 saal hone wale hain show ko aur it always hits the highest rating on the TRP chart, so I can't be more blessed. I'm so sorry, but I'm not counting because I think नहीं 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 थक नहीं गई. मैं अवार्ड्स ऐसे काउंट करती ही नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अवार्ड्स पे डिपेंडेंट नहीं हूँ. आई ओनली डिपेंड ऑन हार्ड वर्क एंड जस्ट व्हाट डू यू से मेहनत. तो अवार्ड मिल जाता तो इट्स वेल एंड गुड, इट्स ब्यूटीफुल एंड आई थैंक गॉड फॉर इट. बट अदरवाइज जो काम मुझे करना है वो मैं करती रहूँगी. अप्रिसिएशन बहुत मैटर करता है बट इतना नहीं कि मैं उसको काउंट करूँ. बट ऑब्वियसली धीरज काउंट करता है विच इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट एंड स्वीट एंड आई अप्रिशिएट दैट. हाँ शायद हाँ नहीं 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 अभी कुछ कन्फर्म नहीं किया बट आई एम थिंकिंग इन दैट आई डोंट नो येट. क्या मैं अपने नाम के साथ वैलेंटाइंस डे? हाँ बिल्कुल. ऑल द पीपल हु आर इन लव एंड आर ड्रीमिंग एंड सीइंग स्टार्स ड्यूरिंग द डे, मैनी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू देम. आई थिंक विशाल इज looking like a very simple and nice guy in Big Boss as opposed to how he appeared in Nach Baliye. But all the best to Vishal because he is a very good guy, great guy, and Madhurima is also a very good friend, so she also played very well. And I just wish all the people inside that house trapped for the last 3 months a very very good luck to them. Favorite? No, I don't have a favorite. I'm not keenly watching Big Boss, but I saw enough incidents between Madhurima and Vishal or Nach Baliye, so I don't want to see no more. Yeah, so it looked like Nach Baliye Part 2 to me. नहीं क्यों उस पर इतने सारे शोज की टी आर पी आ रही है तो क्यों स्टॉप कर देना चाहिए. आई थिंक बिकॉज इट्स फॉर अ कॉमिक रोल इट्स समथिंग दैट ऑनेस्टली आई वॉज़न एक्सपेक्टिंग. ए बी आई थिंक कॉमेडी इज वेरी सीरियस बिजनेस, नॉट एवरी वन डज इट एंड टू बी अप्रिशिएटेड नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन बट टू बी एक्चुअली अप्रिशिएटेड आफ्टर द फिल्म इज आउट ऑल्सो इज अ वेरी बिग डील. And I am really grateful because I think there are very few girls who can actually do comedy, for that matter, guys, girls, irrespective, there are very few actors who can do comedy. And this has just given me a little bit more confidence. I mean, Houseful and Pagalpanti for me were both films that involved a lot of comedy. And Guest in London, again, I know, I remember a lot of people appreciated it. So it feels good. It's amazing. Okay, so 19 was very lucky for you. Very. And 20 has just started. Yes. I have signed my next project, which very honestly I'm very excited about. I think it's going to be really, really good for me. It's a script that's very interesting. It's small town, but yet very fun. And I see it in a very modern space, but in a very fun, modern space. So really, really looking forward to that. The announcement will happen very soon. Apart from that, I'm very excited to be associated with Bijoy Nambiar.
He's a filmmaker I've looked up to. He's a filmmaker I've really admired. So yeah, I have my hands full and I'm not complaining. Thank you. हाँ जी, वैलेंटाइंस डे, आई होप आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार आए. एंड वैलेंटाइंस डे इज़ नॉट जस्ट अबाउट लविंग योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड. आई थिंक इट कैन बी सेलिब्रेटेड विद एनीबडी यू लव. जी हाँ, मुझे वही तरीका पसंद है जो स्कूल में हुआ करता था. हम लोग फ्लैग्स लगाते थे क्लास में, हम लोग फ्लैग होस्टिंग भी करते थे. इट्स समथिंग दैट आई रियली एन्जॉयड. आई मीन मेरी बचपन की यादें हमेशा से ताज़ा होती हैं. And I think Republic Day was one day, I mean, I've always looked forward to the parade and things like that. So yeah, thank you. Yes, wishing all of you a very happy Republic Day. Thank you. Hi, how are you? Hi, how are you doing here? I'm doing very well, thank you. Very excited to be here. So you are receiving an award for Ye Saliya. That's right. I'm very excited. Yeah, this is a project very, very close to my heart, and हमने दिल से बनाया है और मेरे performance को आप लोगों ने इतना सराहा है और इतना प्यार दिया है तो बहुत अच्छा लग रहा है. और मुझे इस प्यारे award से नवाजा जा रहा है, तो it's a very, very humbling feeling. और motivation हो रहा है कि और hard work करूँ और आपको entertain करूँ. And also it's an award for best emerging actor. Yeah, emerging star I heard. Emerging star. Yeah, star is a great word. आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इट्स वेरी काइंड. इतने अच्छे एक्टर्स आए हैं, लाइक देर आर सम फैंटास्टिक एक्टर्स. आई एम अ फैन ऑफ ऑल दीज यंग एक्टर्स एंड इफ दे चोज मी देन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी हम्बलिंग फीलिंग. बहुत अच्छी फीलिंग है. मेरे डैड नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेटली, माई मदर इज़ हियर, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. मेरी माँ उधर बैठ के देखेगी अवार्ड्स को. मैं जब रिसीव करने जाऊंगा एक अलग सा इमोशन होगा, एक अलग सा माहौल बनेगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड एट द सेम टाइम वेरी इमोशनल बिकॉज लायंस क्लब इज आई हर्ड इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनजीओ एंड देम गिविंग मी दिस अवार्ड. आई थिंक देयर कांट बी एनीथिंग बिगर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस. 100% कपल ऑफ थिंग्स कमिंग अप. आई विल बी एबल टू शेयर डिटेल्स विद यू वेरी सून. Very, very exciting things coming up, and hopefully I can entertain you all and make all of you proud, especially you, because you're an old friend of mine. Valentine's Day pe main bas ye kehna chahunga ki I'm going to be spending time with my most special people, my family. Hum log kal subah flag hoisting pe jayenge, uske baad hamare jo ek holiday home hai wahan jaake celebrate karenge, hamare elders ko yaad karenge, hamare jo family ke जो बुज़ुर्ग थे जो वो चाहते थे वो सारी चीज़ें करेंगे जो उनको पसंद थी. एंड इट विल जस्ट बी फैमिली टाइम. विल प्ले स्पोर्ट्स, विल वर्कआउट टुगेदर एंड स्लीप अर्ली ऑन टाइम टू वेक अप फ्रेश द नेक्स्ट डे. रिपब्लिक डे विश टू ऑल माई फेलो इंडियंस. आई फील वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड टू बी ओवर हियर अमंगस्ट यू ऑल. इट्स द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग. प्रॉमिस टू एंटरटेन यू थ्रू आउट एंड जय हिंद, जय भारत. आई लव माई इंडिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. What do I say about that? Well, I'm just extremely humbled, I guess, for receiving this award. And yeah, thank you. So, to be honest, like 2019 was like it was an amazing year with like great work and all, but it was also like emotionally really like stressful because of some certain things, and I was just so excited to and happy to just clear everything just before the new year, and the new year has just started amazing, and I'm just so excited for the new decade. Like for me, it wasn't just a new year, it was like a new decade. So like the past 10 years, you know, all the life experiences, everything, you know, it was kind of like you just cleared everything and now stepping into the new decade, and it's just amazing. Like touch wood, like with God's grace, it's just started on an amazing note.
And I'm extremely excited for Malang, which is releasing now on 7th of Feb, where my character is really like wild. So yeah, I'm excited for that one. Yeah, and a lot of like other great things also, Touchwood, where we are already in talks for. Sorry, what are? I'm receiving beautiful compliments. You know, like what I love about my fans is that I see that they are very genuine. Like they really care for me. They really support me. Like everything I do. Very, very kind. And yeah, regarding Malang, like my character Malang, I'm seeing that they are all extremely excited for it. Yeah, so I love my fans. They're really beautiful. You know, I'm so grateful to have them. Like without them, I wouldn't be here today, actually. So. G. So I will always be extremely grateful to everyone on Big Boss, you know, that they selected me, that they found me, you know, and that they wanted me to be a part of the show, because Big Boss really changed my life, honestly speaking, you know. Like, I got my recognition on the show, so I'm extremely and forever grateful, you know, to Big Boss. I think it's a great platform, you know, because the audience gets to connect with you, they get to see you, they get to know you, and yeah, you know, and I love the fact that so many of my fans are from the day, as in from Big Boss itself, like from the first time they saw me. I have no idea, actually. I mean, I would love to, but I don't know. Do you have any favorite contestant in English writer? Actually, this year I didn't see it. Actually, I'm so sorry, but I didn't get the time. I heard a little bit. I heard that Salman has cleaned the bartan. This is a very good thing. Yeah, so... Valentine's Day. So actually, I can say this regarding Malang. I remember I was getting contacted on Valentine's Day and I was getting the script sent to me. So that was like one of the best Valentine's Day ever, actually, because I was so excited to get that audition and I was just studying the script because I was like, this one though I have to need. So. Yeah? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका मतलब पार्टनर है लवर है या फ्रेंड है तो रोज़ प्यार देना है यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब सिर्फ वो एक स्पेशल वाला दिन है बाकी सब मतलब छोड़ो यू नो इट शुड बी लाइक यू नो इट शुड बी लाइक लाइफ इज़ ऑल अबाउट लव सो जस्ट स्प्रेड लव फॉर इच अदर एवरी डे सो या इट्स एक्चुअली एवरी डे यू नो इट्स नॉट जस्ट इन फेब्रुअरी Yes, happy Republic Day, everyone, and lots of love to India. I really love India, and India will always be so special to me. Yeah. It's a lot of pressure. What does it mean to you? I love awards. I think it's a great incentive to work harder, to be more focused, and to continue to do what you do. So I like awards. Yes, I met her inside. Yeah. I reached late as usual, so she left once I came, but I did say hi to her, I did meet her inside. Okay, yes. So you said, you know, 19 started with the group, you started with the Bollywood. Yes. Now it's 2020, any upcoming projects from your side? Yes, I have a couple of films coming up actually. I can't speak about them much, but hopefully by March we will announce them, along with the posters of the trailer of Radhe. So it's going to be exciting. Looking forward to it. And this will be your second film? Yes, my second. He's not in the film, but yeah. What do you want to say? I'm very excited. It's going to be a whole different look, a whole different feel from what I've already done. So my debut was very unconventional, sweet boy role. But this is going to be an out and out action film, Mar, hard, everything.
full masala food. So I'm looking forward to it finally. Yeah. जी 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 आई वॉन्ट नाम के साथ नहीं नहीं मैं मेरे सारे फैंस को हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जाओगे डिस्क्रीटली जाओ मेक श्योर मीडिया इज नॉट देयर एंड जी ये क्यों फरवरी हर महीना हर दिन लव का दिन है रोज लव करो जी जी आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू गो टू माई स्कूल एंड हॉइस्ट द फ्लैग देयर सो मैं वैसे सेलिब्रेट करने वाला हूँ यस 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 उन्होंने बुलाया नहीं लेकिन मैं जा रहा हूँ जी आई वुड विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे थैंक यू वेरी मच थैंक यू टेक केयर And ultimately when it came, then it ran for 100 days. And I think this is the endorsement of that. I believe in teamwork, I believe in collaborative process. And this film is actually the victory of these the entire team. And I thank Lions Club for this wonderful award. Thank you everybody. Okay, we have been researching this film all over the world. Wherever any first generation victim of Kashmiri Hindu genocide is there, we have been interviewing them, staying with them, eating with them. We have finished Europe and Americas and Africa and most of the Asia. Now we are heading towards Australia and New Zealand. The scripting is over. Casting has already started. In next 3-4 days, I'll announce some good casting. And we are planning to shoot the film in next few months. Yes, no, we have already finalized. I'll just announce it in few days because let the contracts take place. मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जब ये बड़े बड़े क्रिटिक्स आपकी फिल्म को रिव्यू नहीं करते हैं तो आपकी फिल्म के सक्सेसफुल होने के 100% चांसेस होते हैं सो आई डोंट केयर अबाउट दैट ऑडियंस सबसे अच्छी क्रिटिक होती है किसी भी फिल्म की देखिए मैं किसी भी तरह की वायलेंस किसी भी तरह की कर्बिंग द फ्रीडम स्पीच के 100% अगेंस्ट हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है आज प्रॉब्लम ये हो गया है कि शाहीन बाग जो है वो अपने आप में एक बहुत ही अर्बन नेक्सल्स का सेंटर बनता जा रहा है मैं खुद वहाँ पर कुछ दिन पहले विजिट करके आया था एंड इट्स आई डोंट थिंक इट इज़ करेक्ट मुझे कुछ नहीं समझ में आता है आज ही उस लड़के का वीडियो आया है उसने असम को भारत से तोड़ने की बात करी है I don't think it is right और आज इंडिया को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एक न्यू इंडिया के को बिल्ड करने की तरफ जाना चाहते हैं कि हम इस तरह की अनप्रोडक्टिव और इस तरह की वायलेंट और क्योटिक चीज़ों को सपोर्ट करना चाहते हैं ये सब देखिए मैंने तो बुक लिखी है फिल्म बनाई ये सब अर्बन नेक्सल गैंग है दिस इज़ फंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स द एनिमीज ऑफ इंडिया आर फंडिंग दैम और ये भारत के विनाश में बहुत आगे हमें ले जाएंगे आपने अनुपम खेर जी का वीडियो देखा बस दैट्स सेज इट ऑल खेर साहब वेरी डिग्निफाइड एंड इन अ वेरी ग्रेसफुल मैनर ही रिप्लाइड इन अ वेरी हम्बल मैनर एंड विद लिटिल बिट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड दैट्स हाउ मैच्योर पीपल शुड रिएक्ट इट्स ओके लेट पीपल से व्हाटएवर दे हैव टू से बट वी जस्ट अब तो मेरे बच्चों के वैलेंटाइन डे बनाने का टाइम आ गया सर मेरे को अब बख्शिए See, love is the most beautiful thing and I think it's right now जो अब वक्त चल रहा है आजकल मेरे ख्याल से लव को ज़्यादा प्रोपोगेट करना चाहिए थोड़े दिन के लिए व्हाट्सएप से छुट्टी लेनी चाहिए उसमें बहुत लड़ाई हो रही है फैमिलीज़ की और फ्रेंड्स की थोड़ा उसे छुट्टी लेके एकांत में कुछ पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए और प्यार से सबसे बात करनी चाहिए दैट्स व्हाट आई बिलीव अरे देखो
अरे अच्छा, क्या बात है गाइस, क्या बात है. ऑलराइट, थैंक यू बाबू. बहुत भारी है एक्चुअली, कैन डू सम वेट्स विद इट, बट मैं बहुत खुश हूँ. ये एक्चुअली मेरा पहला अवार्ड है एंड आई एम जस्ट रियली हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम जस्ट ग्लैड. थैंक यू गाइस. हाँ, इस साल का तो पहला है तो काफ़ी स्पेशल है. लास्ट इस शो के लिए दूसरा है, वो शायद पिछले महीने मिला था, बट 2020 का पहला है तो स्पेशल है. और काफ़ी वॉज अ स्प्लेंडेड इवनिंग, तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी एंड एंडेड विद अ ग्रेट परफॉर्मेंस सो एंड अवार्ड सो ऑल गुड. ये प्रोजेक्ट एक्चुअली बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ऑल द चैलेंजेस जो इसके साथ इन्वॉल्व थे, इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन, रियल कैरेक्टर्स. सो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो करने में बहुत मज़ा आया, आ रहा है, हर रोज़ आता है. सब एक्टर्स बहुत खुश हैं. जनरली टेलीविजन में काफ़ी रेपिटेटिव होता है, बट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इशारो इशारो. वैलेंटाइंस डे 14 को होता है और 13 को मेरी शादी हुई थी मेरी वाइफ के साथ, तो मेरे को बैक टू बैक दो दिन खर्चे करने पड़ते हैं, एनिवर्सरी और वैलेंटाइंस. सो इट्स गोना बी अ ग्रेट टाइम, बट हैप्पी आई एम वर्किंग दिस टाइम. सो बट वील प्लान समथिंग, लेट्स सी. फरवरी का महीना लव का, हाँ ऑफकोर्स होता है, वैलेंटाइंस डे होता है तो कपल्स के लिए एक बहाना बन जाता है, इट बिकम्स अ मोमेंट. एक महीना ऐसा है. सो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारा प्यार. किसी पर्टिकुलर उसको रेफर करना है? जस्ट हाय मुदित. हाय एवरीवन, दिस इज मुदित, हैव अ ग्रेट इवनिंग. थैंक यू. वापस आ गई, इसके बाद लिस्ट पहले आ गई थी ना. हाँ जी बोलिए. I've never worked with Kangana. I would love to, but I haven't. जी जी, एक तो congratulations. I think Karan has changed a lot of things in the industry and for the better. He's up the standards and he has really worked on making Bollywood a global force to reckon with. I think he has really worked towards it. He's one of the most important people in the fraternity, so big congratulations to him. Kangana is one of my most favorite actresses. I think she's such an incredible performer, so big congratulations to her, and I really hope I do get to work with her at some point. Thank you. And I can't wait to watch. So I won the award for Rising Star Female category. And I guess it's a great honor. It's my first Lions award and first award of 2020. So 2020 ki bahut hi achhi shuruaat hui hai pehle mahine mein. I've got the award for the Rising Star. So it feels great. It feels really honored when your work is appreciated. So thank you so much. Yes, abhi to 2020 shuru hua hai. अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया, अभी तो ट्रेलर आना भी बाकी, पिक्चर आनी भी बाकी है. ऑब्वियसली पटियाला वेव्स का आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, 300 एपिसोड से ज़्यादा हो गए हैं हमें एंड सीजन 2 को भी बहुत प्यार मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच. और यस, फ्यू थिंग्स आप द पाइपलाइन, यू गाइज विल नो सून. फैंस तो बहुत खुश हैं एंड आई गेस एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. तो सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड वॉज नंबर 1 इन UK. TRP इंक्रीज बाय 0.2 इन सीजन 2. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. लोगों की बहुत प्यारे DMs आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लोग मिलते भी हैं. तो अभी लोग बहनों के बारे में बोल रहे हैं, उनके आपस के प्यार के बारे में बोल रहे हैं.
सो इट फील्स ग्रेट. एंड जिस तरह से आप शो से कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिस तरह से आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड वी वोंट डिसअपॉइंट यू, वी विल कीप अप द ग्रेट वर्क. वेल, वैलेंटाइन डे पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि वैलेंटाइन इज नॉट जस्ट फॉर योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड, बट इट इज ऑल्सो फॉर एनी वन हु यू लव. तो मेरे वैलेंटाइन तो मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने सेलिब्रेटेड विद देम. सो यस, हैप्पी वैलेंटाइंस. एंड किसी और से ज़्यादा पहले आप खुद को प्यार करेंगे, तभी आप प्यार बाहर दे पाएंगे. सो आई गेस वैलेंटाइंस यू शुड ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज सेल्फ लव, लविंग योर सेल्फ फर्स्ट, पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट. और फिर वाओ, आप लोग हर बार यही कहते हैं, ओह वाओ लल्ला. मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बिकॉज आई एम सो अमेज्ड दैट आई गॉट दिस बिकॉज ऑफ माय परफॉर्मेंस एज मिसेस सिल्विया नानावती ऑन वर्डिक्ट. सो दैट्स व्हाई आई बिकेम द ग्लैमरस फेस ऑफ 2019 ऑन द वेब प्लेटफॉर्म. क्वाइट फ्लैटर्ड आई मस्ट से. ओह वाओ, of course I know that. Well, a big congratulations, of course. Well deserved and beautiful, I mean, right? So yeah, thank you. Valentine's ke bare mein wapas nahi puchna hai kya? Thoda piche ho jana. Award, because this is my first award. I came here just like 2 months back, and this is like my favorite award. I love sport. I love this opportunity. I was like wow, I got this award. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली अवार्ड हाथ में है. बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ इस अवार्ड का, और बहुत बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपका हार्डवर्क अप्रिशिएट करते हैं. और ये सब आप लोगों के चक्कर में हुआ है, सब मतलब सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है. तो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल सो सो मच. इट इंक्लूड्स द कास्ट, द क्रू, माई प्रोडक्शन हाउस, द डायरेक्टर्स, एवरीबडी, द मीडिया, माई फैंस, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स. थैंक यू